Sir, Ayushman from Mirror Now. My question is, the public, like you said, the suggestions are coming. Public health experts have written to the Prime Minister, and they have said that indiscriminate vaccination is not the need of the hour. The people who have recovered from COVID, they have a natural immunity against COVID, and they should not be vaccinated. In fact, in 18 to 45 years age, comorbidity should be identified, and then the vaccination should be shifted towards the rural areas also. How do you see this, and will it be done? ये जो सुझाव आए हैं ये बहुत ही रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं. हम इन सुझावों का स्वागत करते हैं और इनके साथ चर्चा वन टू वन भी करेंगे. मैं इनवाइट करूंगा उनको कि इसकी बातचीत करी जाए. बिल्कुल ऐसे सुझाव बिल्कुल वेलकम है. बाकी ये जो बात है कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सजेशन आता है कि जिनको हो गया है कोविड वो टीका ना लगाएं, तो ये सारा जो इसका फैसले जो हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म में किए जाते हैं. और वो मैकेनिज्म जो है एनटैगी है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है. वो इन सुझावों को रिसीव भी करते हैं, वहाँ एक्सपर्ट्स हैं. ये फैसले फिर पूरी पिक्चर को लेके किए जाते हैं. तो ये वहाँ पे अभी तक भी किए गए और उनकी राय में, सिस्टमैटिक राय में, सिस्टमैटिकली उन्होंने साइंस देखा, सब कुछ देखने के बाद जो राय दी है कि हमें कोविड होने के बाद 3 महीने के बाद हमें नेक्स्ट वैक्सीन लगना चाहिए, ये क्लैरिटी उन्होंने दी. लेकिन अगर और डेटा आता है, सुझाव आते हैं, उसको वो कंसिडर कर सकते हैं. ये डायनेमिक प्रोसेस है. आप ये देख रहे हैं कि ये बाहर भी, WHO में भी, बाहर के देशों में भी बहुत सारे फैसले जो हो रहे हैं वो डायनेमिकली आ रहे हैं, बदले भी जाते हैं, नुआंस हो जाते हैं, रिफाइन हो जाते हैं, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, चाहे वैक्सीन के बारे में बात हो. इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस. इसमें कोई हार्ड कोर आइडियोलॉजिकल पोजिशन साइंस में नहीं होती. साइंस के जो फैसले हैं, साइंस जो दिखाई देती है और जो कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना होता है, उसको जोड़ के किए जाते हैं. और यही काम हमारी एनटैगी इंस्टीट्यूशन जो है वो करते हैं. हम डायनेमिकली उसको देखते रहे हैं और इसको भी दोबारा भी वो देखते रह सकते हैं. उनकी मीटिंग्स में ये चर्चाएँ होती रहती हैं. तो जिस तरह से भी ये सजेशन इस तरह के आ रहे हैं, वेलकम करते हुए उनके ऊपर उसकी अप्रोप्रिएट तरीके से चर्चा होनी चाहिए. और जो जो आगे बढ़ने में इन सब सोच का, इस सब सोच का हम बहुत आदर करते हैं. नंबर 16.